ओरिजिनल जो फर्स्ट कंप्लेंट था 2013 का वो अनट्रेस्ड था और चार्जशीट के साथ नहीं फाइल किया, और आज तक कई बार नोटिस के पुलिस वाले उस पर, कोई भी एक ऑफिसर कभी आए कभी कोई और आए, और कोई सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई नहीं आ रहा था। तो आज जज साहब ने इन सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करते हुए कि बार बार मौका देने के बाद भी पुलिस वाले कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दे रहे हैं और कोर्ट का कंप्लायंस प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो उन्होंने अगली तारीख को DCP को पर्सनली आने के लिए कोर्ट में कहा है। इसे कानून का लचीलापन कहें या फिर रसूखदारों का रसूख, क्योंकि जिनके चेहरे पर गुनाहों की सजा का खौफ होना चाहिए, जिनके चेहरे पर सिकन होनी चाहिए, वो ऐसे खिलखिला रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और गुड़गांव कोर्ट में पेशी के दौरान ऐसे दिख रहे हैं जैसे पिकनिक मनाने आए हैं। दरअसल पूरी तस्वीर गुरुग्राम के जिला अदालत की है, जहां देश के कई नामी पत्रकार पेशी पर आए हैं, लेकिन इनके चेहरे और हाव भाव को देखिए, ऐसा लग रहा जैसे सब कुछ इनके मुट्ठी में है। और जिस तरह से टीवी चैनल पर और सोशल मीडिया पर अपने आप को देश का सबसे तुर्रम खां बनाते हैं, अपने आप को सबसे बड़ा बनाते हैं, उनके हाव भाव को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कोर्ट भी इनके मुट्ठी में हो, कानून भी इनके मुट्ठी में हो। दरअसल पूरा वाक्य आपको बता दें कि ये देश के नामी 8 पत्रकारों के खिलाफ गुरुग्राम के जिला अदालत में मामला चल रहा है। ये मामला भी करीब 10 साल से ज्यादा पुराना है। इन पर आरोप है कि इन्होंने एक नाबालिग लड़की का चीरहरण किया था, उसकी इज्जत को तार तार किया था और अपने TRP के चक्कर में, अपने TRP के होड़ में उन्होंने इस बात का ख्याल तक नहीं रखा कि पत्रकारिता का धर्म क्या कहता है और पत्रकार असल में चौथे स्तंभ क्यों कहे जाते हैं। लेकिन यह विडंबना ही है कि 10 साल से ज्यादा हो गया पीड़ित पक्ष कोर्ट में आता है, पेशी पर डबडबाई आंखों से बस इंतजार करता है कि अब उसे इंसाफ मिलेगा, उन गुनहगारों को सजा मिलेगी, उन लोगों को सजा मिलेगी जिन लोगों ने वास्तव में अपराध किया है। हालांकि यहां हम ये नहीं कह रहे कि ये गुनहगार हैं, क्योंकि ये कोर्ट का विषय है, जज साहब तय करेंगे, तमाम सबूत और गवाहों के आधार पर तय होगा कि क्या वास्तव में इनकी गलती है या नहीं। लेकिन जिस तरह से पीड़ित पक्ष पहुंचता है, पैरवीकार वकील पहुंचते हैं और वो कोर्ट की जब प्रोसीडिंग बताते हैं तो उस दौरान वो यह भी कहते कि सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी होना है, आर्गुमेंट चल रही है और कोर्ट बहुत जल्द निर्णय भी देने वाला है। देखिए, आज तो 3 चीजें चल रही हैं इस केस में भी। पहला तो जो एविडेंस रिकॉर्ड हो रहा है 8 पत्रकारों के खिलाफ, नाम आपको पता ही है, दीपक चौरसिया, चित्रा त्रिपाठी, अजीत अंजुम, मोहम्मद सुहेल, मोहम्मद राशिद, अजीत अंजुम का तो मैंने नाम ले लिया, ललित भट्टगुजर, सुनील दत्त, डॉक्टर अविनाश। तो उसमें एविडेंस में आज एक एविडेंस आया और उसकी एविडेंस पुलिस वाले की रिकॉर्ड हुई। ये तो एक एविडेंस के बाबत थी बात। दूसरी ये कि जैसा आपको पता है कि ओरिजिनल जो फर्स्ट कंप्लेंट था 2013 का वो अनट्रेस्ड था और चार्जशीट के साथ नहीं फाइल किया, और आज तक कई बार नोटिस के पुलिस वाले उस पर, कोई भी एक ऑफिसर कभी आए कभी कोई और आए और कोई सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई नहीं आ रहा था। तो आज जज साहब ने इन सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करते हुए कि बार बार मौका देने के बाद भी पुलिस वाले कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दे रहे हैं और कोर्ट का कंप्लायंस प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो उन्होंने अगली तारीख को DCP को पर्सनली आने के लिए कोर्ट में कहा है, डायरेक्शन दिया कि वो पर्सनली हाजिर होंगे। और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अगर उस दिन ओरिजिनल कंप्लेन मिल जाता है तो वो ना आए, अगर ओरिजिनल कंप्लेन नहीं मिलता है
तो जवाबदेही तय करने के लिए और सारी चीजों पे जवाब देने के लिए डीसीपी जिनके इलाके के अंदर पालम बिहार थाना आता है उन्हें पर्सनली हाजिर होना होगा। क्या उस लिखित शिकायत का जिक्र है जो पीड़िता ने उस दौरान 2013 में की थी? हाँ, जिसमें पहला FIR 0 दर्ज हुआ था उस कंप्लेंट की मैं बात कर रहा हूँ। उससे इस केस को अगर हम कहें कि वो मिलता है तो क्या कुछ मजबूती आप देख रहे हैं? 11 साल हो गए आप लोगों को देखते हैं। देखिए FIR जो है जो दर्ज हुई थी उस कंप्लेंट के बेसिस पे वो रिकॉर्ड है। ओरिजिनल कंप्लेंट को 0 FIR दर्ज करने के बाद नोएडा भेज दिया गया था। कानूनी क्या प्रक्रिया होगी और उसका क्या असर पड़ेगा पूरे ट्रायल पे और क्या ये और उस चीज का क्या कानूनी एनालिसिस है ये तो कोर्ट का मसला है, जिस पर मेरा अभी कमेंट करना उचित नहीं होगा इस स्टेज पे। लेकिन कोर्ट का पहला इंड्यूवर मतलब कोशिश ये रहती है कि उसे मंगवाया जाए और पहले तो पुलिस को ही वो रिकॉर्ड पे रखना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं रखा ये सारा कारण जानते हुए कोर्ट पिछले कई तारीखों से ये पुलिस को डायरेक्शन दे रही है कि उसे आप रिकॉर्ड पे लाए और जिसका सही जवाब और जो इंक्वायरी करके और तरीके से कोर्ट में पुलिस के द्वारा नहीं लाया जा रहा है, इसलिए कोर्ट ने DCP को पर्सनली फिजिकली हाजिर होने के लिए 3 जुलाई की तारीख पे। हालांकि आज भी एक बार कोर्ट में पेशी हुई। इन सभी पत्रकारों में दीपक चौरसिया केवल नहीं पहुंच पाए, बाकी तमाम चित्रा त्रिपाठी अजीत अंजुम समेत वकील साहब भी तमाम के नाम बता रहे हैं आपको, वो सब लोग पहुंचे और आज की पेशी पर कहीं ना कहीं पीड़ित पक्ष को एक और आश्वासन मिला। दीपक चौरसिया के अलावा बाकी देखिए आपने जो सवाल किया तारीख के, कानूनी प्रक्रिया में तारीखों हर तारीख के आधार पे सेटिस्फेक्शन ढूंढना कानूनी तौर पे भी और प्रक्रिया के तौर पे भी उचित नहीं होगा, इसलिए आपके सवाल का जवाब नहीं, आपके सवाल का नहीं, सवाल का मैं जवाब आपको दे दूं कि आप अब तक की कानूनी प्रक्रिया जो कोर्ट पे चल रही है इस पर पूर्णतया मेरी पार्टी कंप्लेनेंट कितनी सेटिस्फाइड है उस पर मैं कह सकता हूँ। दूसरा सवाल आपने आधा ही पूछा था, लेकिन मैं जैसा समझ रहा हूँ आप ये पूछना चाह रहे हैं कि इतना पुराना हो गया तो उनकी क्या मनस्थिति और वो कितना सेटिस्फाइड है। दोनों में आप सवालों का जवाब दे रहा हूँ कि जो इतना समय लगा वो कोर्ट की प्रक्रिया में नहीं लगा, पुलिस के द्वारा केस को कोर्ट की प्रक्रिया में लाने के दौरान लगा, तो उससे हम जो कंप्लेनेंट है वो काफी आहत दुखी और एक न्याय न मिलता हुआ का एहसास है। लेकिन जब से कोर्ट में कॉग्निजेंस लिया गया है और कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही है, वही स्थिति जो निराशावादी थी कोर्ट में आने के बाद और कोर्ट की प्रक्रिया के बाद कंप्लेनेंट और इस कंप्लेंट से जुड़े हर वो लोग जो न्याय के लिए कोर्ट की तरफ देख रहे हैं वो आशावादी भी हैं और खुश भी हैं और कोर्ट में सही प्रक्रिया चल भी रही है। नहीं, ये तो आपने आज देखा, कोर्ट के बाहर तो वकील का या कोर्ट में आने वाले किसी भी लोगों का ये प्रोटोकॉल भी कहता है और कानून भी कहता है और शिष्टाचार भी कहता है कि कोर्ट के बाहर सब माहौल ठीक रहना चाहिए। तो आज आपको ये इसलिए एहसास हुआ कि आपने गौर किया, लेकिन यदि आप हमेशा देखेंगे तो माहौल हमेशा अच्छा ही रहता है कोर्ट के बाहर। हाँ, तीसरा आपने कोर्ट की प्रक्रिया में आपको मैंने उस कंप्लेन का बताया और एविडेंस का बताया, लेकिन इसमें और दो चीजें और है कि कार्तिकेय शर्मा और अनुराधा प्रसाद के खिलाफ, हाँ, के जो डायरेक्टर्स हैं उनके खिलाफ क्लोजर रिपोर्ट फाइल हुआ है। नहीं, वो पहले ही फाइल हो चुका है, उस पर भी आज कार्रवाई हुई और उस पर भी आज कोर्ट के अंदर कार्रवाई हुई, विस्तार से मैं नहीं बता सकता। और तीसरा एक 340 का अलग से पिटीशन है एक अक्यूज्ड के द्वारा कोर्ट में गलत बात रखने का, तो उस पर भी आज कोर्ट के अंदर कार्रवाई हुई और उसमें भी आगे कार्रवाई की तारीख तय हुई। तो ये सारी चीजें आज कोर्ट में सुबह से अब तक हुई है और कोर्ट की प्रक्रिया अब जो है अगली तारीख 3 जुलाई के लिए रखी गई है। पूरा वाक्य आपको बता दें, ये वाक्य 2013 का है, जब संत आसाराम बापू के खिलाफ तमाम मीडिया चैनलों पर खबरें चल रही थी, उनके खिलाफ पुलिस में FIR दर्ज हो रही थी। उस दौरान आरोप है कि कई मीडिया चैनलों ने
बिना फैक्ट्स कंघाले नाबालिग पीड़िता की तस्वीर टीवी पर चलाई थी और जिसको लेकर ही ये पूरा मामला पीड़ित पक्ष ने कोर्ट में डाल रखा है, जिसकी हियरिंग हो रही है और प्रत्येक पेशी पर ये पत्रकार यहां पहुंचते हैं। हालांकि देखना होगा कि 11 साल बीतने के बाद और न्याय के लिए कितना और इंतजार पीड़ित पक्ष को करना पड़ता है। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।